नमस्कार। आंखें बंद कर कर बैठ जाए, बेहद आराम से बैठ जाए। गहरी सांस लें, और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस लें, आनंद। सांस छोड़ें, आराम। सांस लें, उत्साह, खुशी। सांस छोड़ें, सारा आलस, तनाव, चिंता छोड़ दें। सांस लें, चेहरे पर बढ़िया मुस्कान, सकारात्मकता, ताकत। सांस छोड़ें, सारी कमजोरी, डर, आलस, दुख सब छोड़ दें। संकल्प लें, प्रतिदिन योग अभ्यास से मेरा शरीर स्वस्थ, मन संयमित और उन्नति हो रही है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। चेहरे पर बढ़िया मुस्कान, धीरे से दोनों हाथों को जोड़ें, पामिंग करके, हाथों को रब करके, पलके झपझपा के खोलें। शुरू करते हैं, एक ही स्थान पर खड़े हो जाएं। जॉगिंग से शुरू, एड़िया कुल्हों के पास वाली जॉगिंग, घुटने छाती के पास वाली जॉगिंग, फास्टर, जंपिंग जैक्स, स्लो डाउन, वेरी गुड। लेफ्ट राइट झुकना, थ्री टू
वाह, धीरे से वापस, लेफ्ट राइट घूमना, फाइव फोर थ्री टू वन, रिलीज, बैठना उठना, फाइव फोर थ्री टू वंडरफुल, धीरे से वापस, और अब दोनों हाथ इंटरलॉक कर कर ऊपर उठाएं, स्ट्रेच, एड़ियों को भी, और रिलीज। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार, नमस्कार मुद्रा, चेहरे पर बढ़िया मुस्कान, सांस ले, दोनों हाथ ऊपर पीछे झुक जाएं, दो, सांस छोड़े आगे तीन, सांस ले राइट पीछे चार, रोके लेफ्ट भी पांच, छोड़े अष्टांग छ, ले भुजंग सात, छोड़े पर्वत आठ, ले राइट पैर आगे नौ, छोड़े लेफ्ट भी दस, ले पीछे 11, छोड़े नमस्कार 12, ले पीछे 2, छोड़े आगे 3, ले लेफ्ट पीछे 4, रोके राइट भी 5, छोड़े अष्टांग 6, ले भुजंग सात, छोड़े पर्वत आठ, ले लेफ्ट नौ, छोड़े राइट दस, ले पीछे 11, छोड़े नमस्कार 12, ले पीछे 2, छोड़े आगे 3, ले राइट 4, रोके लेफ्ट 5, छोड़े अष्टांग 6, ले भुजंग 7, छोड़े पर्वत 8, ले राइट पैर आगे 9, छोड़े लेफ्ट भी 10, ले पीछे 11, छोड़े नमस्कार 12, वेरी गुड, ले पीछे 2, छोड़े आगे 3, ले लेफ्ट पीछे 4, रोके राइट भी 5, छोड़े अष्टांग 6, ले भुजंग 7, छोड़े पर्वत 8, ले लेफ्ट 9, छोड़े राइट 10, ले पीछे 11, छोड़े नमस्कार 12, वेरी गुड, ले पीछे 2, छोड़े आगे 3,
ले राइट पीछे चार, रोके लेफ्ट भी पांच, छोड़े अष्टांग छह, ले भुजंग सात, छोड़े पर्वत आठ, ले राइट पैर आगे नौ, छोड़े लेफ्ट भी दस, ले पीछे ग्यारह, छोड़े नमस्कार बारह। वेरी गुड। ले पीछे दो, छोड़े आगे तीन, ले लेफ्ट पीछे चार, रोके राइट भी पांच, छोड़े अष्टांग छह, ले भुजंग सात, छोड़े पर्वत आठ, ले लेफ्ट नौ, छोड़े राइट दस, ले पीछे ग्यारह, छोड़े नमस्कार बारह। वेरी गुड। चेहरे पर बढ़िया मुस्कान। अब हम छह साइकिल्स फास्ट करने जा रहे हैं, करेंगे। जिनके लिए सरल है वो मेरे साथ फास्ट गति पे करें। शुरू करते हैं, हम गति बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। पीछे दो, आगे तीन, राइट चार, लेफ्ट पांच, अष्टांग छः, भुजंग सात, पर्वत आठ, राइट नौ, लेफ्ट दस, पीछे ग्यारह, नमस्कार। पीछे दो, आगे तीन, लेफ्ट चार, राइट पांच, अष्टांग छः, भुजंग सात, पर्वत आठ, लेफ्ट नौ, राइट दस, पीछे ग्यारह, नमस्कार। वेरी गुड। पीछे दो, आगे तीन, राइट चार, लेफ्ट पांच, अष्टांग छः, भुजंग सात, पर्वत आठ, राइट नौ, लेफ्ट दस, पीछे ग्यारह, नमस्कार। पीछे दो, आगे तीन, लेफ्ट चार, राइट पांच, अष्टांग छः, भुजंग सात, पर्वत आठ, लेफ्ट नौ, राइट दस, पीछे ग्यारह, नमस्कार। पीछे दो, आगे तीन, राइट चार, लेफ्ट पांच, अष्टांग छः, भुजंग सात, पर्वत आठ, राइट नौ, लेफ्ट दस, पीछे ग्यारह, नमस्कार। पीछे दो, आगे तीन, लेफ्ट चार, राइट पांच, अष्टांग छः, भुजंग सात, पर्वत आठ, लेफ्ट नौ, राइट दस, पीछे ग्यारह, नमस्कार। बेहतरीन, अपने छह साइकिल पूरे कर लिए हैं। वंडरफुल। अब एक साइकिल विश्राम के साथ करेंगे और उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस भी करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, पीछे झुक जाए, कुल्हे आगे, छाती खुली, बढ़िया विश्राम। पांच, चार, तीन, दो, एक, धीरे से आगे।
वेरी गुड, राइट पैर पीछे, दोनों हाथों को जोड़े और ऊपर उठाए, जिनके लिए सरल है, बेहतरीन, हल्का सा पीछे झुके, वंडर। पांच, चार, तीन, दो, एक, वेरी गुड, धीरे से वापस। अब राइट घुटने को थोड़ा आगे खींचे और लेफ्ट पैर को सामने सीधा कर लें। लेफ्ट पैर को सामने सीधा, वेरी गुड, और सर नीचे जमीन पे झुकाने की कोशिश। हाँ, इस प्रकार रामविलास भैया को देख सकते हैं हम। पीछे वाला जो राइट घुटना है वो मुड़ा हुआ है, लेफ्ट पैर सीधा है, आगे हम पैर की तरफ झुक रहे हैं। ठीक है, अब स्पेस बनाएं, लेफ्ट पैर को और आगे ले जाएं, और वेरी गुड, धीरे से, अब लेफ्ट पैर वापस और दंडासन में आ जाएं। राइट हाथ ऊपर उठाएं और राइट पैर लेफ्ट पैर पे आ जाएगा सपोर्ट से, एक ही साइड बैलेंस अगर सरल है तो, ये नहीं है तो इसके बाद हम इसका इजी वाला वर्जन करेंगे जो कोहनी के बल होगा। बेहतरीन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस, धीरे धीरे। दूसरी साइड, पीछे पैर को एडजस्ट कर सकते हैं, बैलेंस बनाए रखें, जिनके लिए वो मुश्किल है ये अष्टांग नमस्कार में चले जाएं। 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड, धीरे धीरे हाथ वापस। अष्टांग नमस्कार, हम एक नया पोज करने जा रहे हैं जिसमें कोहनियां हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी, हाथ जो है अभी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, छाती आगे जाएगी और शरीर को जमीन से हल्का सा 6-7 इंच ऊपर उठा लेंगे, पूरे घुटनों को भी, घुटने सीधे हो जाएंगे और छाती को भी, तो छाती को आगे ले जाएं और हल्का सा जमीन से ऊपर उठा लें, भुजंग नहीं कर रहे हैं, सर नीचे ही रखे हैं। हाँ, और हल्का सा जमीन से ऊपर, वेरी गुड, चतुरंग। रेणु दीदी को देख सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से अब जमीन पे आ जाए और एक साइड मुड़े, लेफ्ट साइड मुड़े।
और अब हम जैसे कोहनी के बल आ गए हैं, हमको अपने कुल्हों को ऊपर उठाना है, साइड प्लैंक। कोहनी के बल, हाँ, कुल्हों को ऊपर उठा ले हाथ की मदद से और धीरे से हाथ को भी सीधा। वेरी गुड। जो लोग हथेली के बल नहीं उठा सकते, उनको इस तरीके से मॉडिफाई करके करना होता। पांच, चार, तीन, दो, एक। धीरे से वापस कुल्हे जमीन पर, और सर को भी अब जमीन पर रख लें। हम राइट पैर को ऊपर उठाने जा रहे हैं, अपने हाथों को सर के बल सर पे टेका ले लें। वेरी गुड। राइट पैर ऊपर और नीचे। शुरू करें। 5 टाइम्स। 5, 4, 3, 2, 1। बेहतरीन। धीरे से पेट के बल आ जाएं। अब वापस वो चतुरंग में जाएं। अष्टांग नमस्कार। और धीरे धीरे, ठीक है, वेरी गुड। चतुरंग। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से नीचे आए। अभी हमने रेणु दीदी को कोहनियों के बल बैलेंस करते देखा था, तो कोहनियों के बल आ जाएं। एल्बो प्लैंक करेंगे कोहनियों के बल। हाँ, पेट के बल ही रहे, पेट के बल ही। हाँ, और अब कोहनियों के बल खड़े होना है, कुल्हों को ऊपर उठा लो। वेरी गुड। और स्ट्रेंथनिंग रेणु दीदी को देख सकते हैं हम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। धीरे धीरे नीचे आए। और अब राइट साइड, कोहनियों के बल, कोहनी के बल आ जाए, एल्बो के बल, और हिप्स को ऊपर उठाए, साइड प्लैंक, एल्बो सपोर्ट। वेरी गुड। शरीर एक सीट में। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वंडरफुल। धीरे से नीचे। और राइट हाथ का तकिया बना लें। वेरी गुड। लेफ्ट पैर ऊपर और फिर नीचे। शुरू करें। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। वंडरफुल। धीरे से अब हम पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल
पीठ नहीं, पेट के बल, प्रोन पोजिशन, चतुरंगा, दोनों हाथ छाती के पास, हल्का सा शरीर को जमीन से ऊपर। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अष्टांग नमस्कार और फिर भुजंगासन में चले जाएं। भुजंग, छाती आगे ग्लाइड अप, कंधे खुले, कानों से दूर, छाती खुली, ऊपर देखें। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पैरों की उंगलियों को टकें, कुल्हों को ऊपर उठा लें, पर्वतासन। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। वेरी गुड। राइट पैर को ऊपर उठाएं, पूरा सीधा करें। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1। राइट घुटने को मोड़ के राइट घुटना दोनों हाथों के बीच में आएगा। राइट घुटना दोनों हाथों के बीच। वेरी गुड। राइट एडी लेफ्ट साइड, छाती खोलें, ऊपर देखें। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। दोनों हाथों को सामने स्लाइड करते हुए सर को जमीन पर। रिलैक्स। धीरे से वापस हाथ, राइट पैर भी पीछे, और पर्वतासन। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे। वेरी गुड। लेफ्ट घुटने को मोड़ के, लेफ्ट घुटने को दोनों हाथों के बीच, लेफ्ट एडी राइट साइड। वेरी गुड। छाती खोले, ऊपर देखें। फाइव, फोर, थ्री, टू। चेहरे पर बढ़िया मुस्कान, दोनों हाथ सामने स्लाइड करते हुए सर को जमीन पर। रिलैक्स। धीरे से वापस घुटना, वापस दंडासन, और
और पर्वतासन। बेहतरीन। धीरे से लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच। दोनों हाथों को जोड़े, ऊपर उठाए, वेरी गुड। हाथों को रिलीज और राइट पैर भी आगे आके झुक जाए। दोनों हाथ पर पीछे झुक जाए। वंडरफुल। धीरे से नमस्कार। हाथों को रिलीज और अब हम शवासन में लेट जाएंगे। शरीर को शवासन में ढीला छोड़ दें। दोनों पैर एक दूसरे से दूर, पतेलिया ऊपर की तरफ, बॉडी रिलैक्स्ड। फील द कंप्लीट बॉडी रिलैक्सिंग। जैसे जैसे शरीर आराममय होता है, श्वसन धीमी और गहरी होती जाती है। ठीक है। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। पूरा शरीर आराममय, चेहरे पर बढ़िया मुस्कान, दोनों पैर एक साथ। एक और मुड़े और बैठ जाए। हम तितली आसन करने जा रहे हैं। दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर और एड़ियों के तलवे एक साथ। पीठ सीधी, छाती खुली, पैरों को हिलाएं।
वेरी गुड। मुझे कंप्यूटर पे रंग बिरंगी तितलियां नजर आ रही है। फास्टर। वंडरफुल। स्लो डाउन। धीरे से दोनों हाथ सामने जमीन पर और धीरे धीरे नीचे कमर से आगे झुकते जाए। अवेयरनेस। एट योर पेल्विक एरिया। पेल्विक एरिया पर ध्यान। धीरे धीरे वापस। अब हम एक नौका आसन करने जा रहे हैं। रेनू दीदी साइड वेज आओ, साइड पोज में। तितली आसन में ही रहना है और तितली आसन से ही पीठ को पीछे करें, थोड़ा थोड़ा पीठ को पीछे करें और पैरों को 45 डिग्री ऊपर उठाएं, सीधा सीधा कर लें, धीरे 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 सीधा करते जाएं, ऊपर उठाएं पैरों को भी। हाँ 45 डिग्री, ठीक है। पीठ सीधी है, छाती खुली है, हम आसन को देख सकते हैं। इस आसन में हमको कुछ देर रहना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5। कोशिश करें घुटने ना मोड़ने पड़े, कोहनियां नहीं मोड़नी पड़े। 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आए। वेरी गुड। हाँ रामविलास भी ऐसे हम लेट के भी कर सकते हैं। अच्छा अब पैरों के अंगूठे पकड़ लें, जिनके लिए सरल है वो पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को सीधा करें और पीठ को पीछे करते जाएं। अगर सरल नहीं है तो अपने हाथों को पिंडलियों के पीछे भी रख सकते हैं, बैलेंस बनाए रखें। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7। कोशिश करें पीठ सीधी, पैर सीधे। वंडरफुल। 3, 2 और 1। जिनके लिए मुश्किल है वो पिंडलियों पर रख सकते हैं, घुटनों के पीछे रख सकते हैं। वेरी गुड। अब हम धीरे से दोनों पैर सामने फैलाएंगे और एक और मुड़ के पीठ के बल लेट जाएंगे। अच्छा हम पीठ के बल से भी इस आसन में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? दोनों हाथ शरीर के बगल में, धीरे धीरे पैरों को 45 डिग्री ऊपर उठाएं। ये तो ज्यादा ऊपर हो गया। और धीरे धीरे अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर उठा। हाँ इस तरीके से बेहतरीन। कुछ देर विश्राम, अपने पेट पर ध्यान, पीठ पर ध्यान, पाचक तंत्र में बढ़िया प्रेशर, बैलेंस। वंडरफुल। धीरे से ऊपरी शरीर नीचे और पैरों को भी रिलीज। ठीक है अब हम आराम से शवासन में लेट जाएंगे। और पूरे शरीर को शवासन में ढीला छोड़ दे।
महसूस करें धरती माँ की आरोग्य ऊर्जा, पैरों की उंगलियों, पिंडलियों, घुटनों, जांघों में बह रही, और जो भी तनाव आया है उसे आराम पहुंचा रही है। नौकासन से पैर पर भी इफेक्ट आता है, बढ़िया। लेकिन वो नौकासन, वही अगर पेट पे बहुत प्रेशर पड़ता है तो पेट की सर्जरी, हाई ब्लड प्रेशर के अल्सर, पेट में कोई, या मासिक धर्म के समय भी ये नौकासन नहीं करना चाहिए। संपूर्ण पैर रिलैक्स, महसूस करें धरती माँ की आरोग्य ऊर्जा, पीठ में बह रही है। संपूर्ण पीठ ढीली छोड़ दें, पेट और छाती बेहद आराममय, कंधों से लेकर हाथों तक धरती माँ की आरोग्य ऊर्जा, संपूर्ण हाथ, कंधे और गर्दन को बेहद आराम पहुंचा रही है। चेहरे पर आ जा, बेहद रिलैक्स, और सर को बेहद ढीला छोड़। पूरा शरीर बेहद आराममय अवस्था में, पूरा शरीर बेहद आराममय अवस्था में आ गया, रिलैक्स हो। अब धीरे से पैरों की उंगलियों को हिला, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ सर के पीछे इंटरलॉक कर कर खींचे, स्ट्रेच पैरों की उंगलियां भी, रिलीज, राइट घुटने को मोड़े, लेफ्ट आर्म मोड़े और हाथों की मदद से बैठ जाए।
आज हम दो प्राणायाम देखेंगे। एक तो ठंडक पहुंचाते हैं, वो है शीतली और शीतकारी। तो हम पहले रेणु दीदी को देख सकते हैं और फिर करें। शीतली में हम जीभ बाहर निकालते हैं और जीभ को गोल करते हैं, एक ट्यूब जैसी बनती है, और उसके बीच से ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। जीभ बाहर निकाले हैं और जीभ गोल, और उसके बीच से ठंडी ठंडी हवा लेते और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं, नासिका से ही छोड़ना है। ये देखिए, जीभ बाहर निकाली और उसको फिर गोल करना है। होठों को गोल करते हैं तो जीभ भी गोल हो जाती है, और फिर इसके बीच से ठंडी ठंडी हवा अंदर लेनी है। और धीरे धीरे सांस को छोड़ना। ये जीभ गोल करना किसी के लिए मुश्किल होता है, तो हम शीतकारी कर सकते हैं। एक बड़ी सी स्माइल, दोनों होंठ एक दूसरे से दूर जाते हैं, जीभ को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, फिर दांतों के बीच से ठंडी ठंडी हवा खींचनी है इस तरीके से। धीरे धीरे छोड़ना, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम, ये कुछ बार करते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, शीतकारी या शीतली। धीरे धीरे लेनी है। शीतकारी कर रहे हैं तो दांत दिखाई देंगे, दांतों के बीच से अगर शीतकारी कर रहे हैं तो, और बेहद धीरे धीरे फिर मुंह बंद करके नासिका से छोड़नी है। करें चेहरा बेहद राममय, या तो जीभ बाहर निकाल के जीभ गोल करें या दांतों के बीच से हिस करें। धीरे धीरे ये जो है हमारे पूरे सिस्टम में ठंडक पैदा करता है, पेट में अल्सर, अंदर गर्मी हटा देता है। गर्मियों के समय अगर हम इसको 10 मिनट करेंगे तो हमारा सिस्टम कूल हो जाएगा। रात में नींद नहीं आती तो वो करेगा तो रात में नींद आने में सरल हो जाएगा। बस ये जिनको लो बीपी होता है उनको नहीं करना है, जिनको अस्थमा है, क्योंकि अस्थमा में ठंडक की वजह से म्यूकस बढ़ता है, तो अस्थमा वालों को नहीं करना है। अब ठंड आ रही है तो ठंड के समय नहीं करना।
बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण ठंडक प्रदान करने वाला और मन को शांत करने वाला प्राणायाम, एसिडिटी हो, चाहे तनाव हो, चाहे गर्मी ज्यादा बढ़ रही हो, चाहे माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा, इन सब को काम डाउन कर देता है ये आसन। वेरी गुड। अब हम फाइनल साइकिल। अच्छा, आज हम एक और प्राणायाम सीखते हैं, इसका नाम उज्जयी। और ये उज्जयी में हमको सबसे पहले हमारा ध्यान गले की तरफ ले जाना होता है और महसूस करना होता है जैसे गले से सांस ले रहे, और गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है थ्रोट को। तो जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो एक हवा की आवाज लेते और छोड़ते समय आती है, बहुत तेज नहीं आती, वो वोकल कॉर्ड की आवाज नहीं है, वो हवा की आवाज। और हो सकता है क्योंकि अभी हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो कंप्यूटर से आपके पास तक आया नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको देखते हैं। हाँ, जैसे हमने थूक अंदर लेते हैं ना तो ये जगह दबती है, एक बार थूक अंदर लेके देखिए तो ये जगह दब रही है। हाँ, तो इसी जगह को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर जब सांस लेते हैं तो गले से हवा की आवाज आती है, जैसे एक छोटा सा बच्चा सो रहा होता है तो हल्की सी उसके खर्राटे की आवाज आती है ना, तेज नहीं आती, बेहद हल्के से, उस तरीके से उज्जयी की आवाज आती है स्मूथ। मेरे कंप्यूटर से आ रही है उधर तक आवाज आ रही है? तरीके से आवाज आती है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले अपना ध्यान गले पर ले जाएं, और देखे थूक अंदर ले, देखे एक एक जगह होती है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वेरी गुड, इसी जगह को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर धीरे धीरे सांस अंदर लें, हवा की आवाज आएगी। और फिर सांस छोड़ेंगे। बेहतरीन। कुछ देर इसी तरीके से करें, हल्का सा थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, धीरे धीरे गहरी सांस ले रहे हैं, अपना ध्यान गले पर, श्वसन पर और आवाज पर।
ठीक है, धीरे से सामान्य श्वसन प्रक्रिया। दोनों हाथों को जोड़े हृदय में शुक्रिया भाव। स्वीकार भाव। धीरे से दोनों हाथों को रब करें, पामिंग करके उसके जब छुपा के आंखें खोलें। शुक्रिया। चौदह दिन हो गए हमको। करीब प्रतिदिन अगर योग अभ्यास हम कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण रोल आहार का भी आ जाता है। और हम सब जानते हैं क्या आहार लेना है, क्या आहार नहीं लेना है। भोजन को सही समय पर अगर आप स्वस्थ हैं तो दिन में 2 बार आपके लिए काफी होना चाहिए। समय फिक्स कर लें, एक बार 11 बजे, एक बार 6 बजे, इस तरीके से 2 बार भोजन लेते हैं तो सही समय पर सही मात्रा में सही भोजन। आप जानते हैं कि उस होलिस्टिक होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, और फिर थोड़ा जो लिक्विड पोर्शन होता है मट्ठा ले सकते हो आप, और 25% खाली छोड़ना है पेट को। तो सही समय पर सही भोजन, सही भोजन यानी न्यूट्रिशियस भोजन, सही मात्रा में और सही भाव के साथ। खाने खाते समय मोबाइल नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखनी है, और क्या नहीं खाना है वो भी हमको मालूम है। हम कहीं पे भी जाते हैं हमको चाय दे देते हैं, अवॉइड करिए। और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, ये सब जानते ही हैं। तो जानते हैं हम सब है, धीरे धीरे हमको उसको पालन में लाना है। अगर हम योग अभ्यास कर रहे हैं और अब धीरे धीरे हरी सब्जियां फल का सेवन ज्यादा करेंगे और जो अवॉइड करने वाले आइटम्स है प्रोसेस्ड फूड्स कम कर देंगे तो हम पाएंगे हमारा मन और भी अच्छे से शांत होता है, हमारा मन संयमित और भी जल्द गति से होता है। ठीक है, शुक्रिया।